मुंह झुकने वाले हैं। और महबूब का शिक्षा अधिकारी है मौला सर, आप भी आए हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। और बिल्कुल मुंशी जी हैं, वो भी साथ जुड़े, प्रेम जी वो भी बिल्कुल साथ जुड़े, और दोनों स्पॉन्सर साथ जुड़े। आगाज होने वाला है यहाँ से 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 का भव्य महाफाइनल मुकाबला। महाघमासान होगा, महासंघर्ष होगा यहाँ पर, और दोनों ही टीमें बड़ी हैं। इम्तिहान यहाँ से इम्तिहान की ये कड़ी है, अब कौन सी टीम इस मजबूत स्थिति में यहाँ से खड़ी रहती है। और इस प्रतियोगिता और बिल्कुल एक एक बच्चे को यहाँ कुछ अद्भुत देखने को मिल रहा है। प्रॉपर ड्रेस में बच्चे हैं, बिल्कुल वो एक एक दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ वहां से जुड़े रहेंगे। ये स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 महाफाइनल मुकाबला, महासंग्राम, महाघमासान, महासंघर्ष यहाँ पर, जीत की लगन दोनों टीमों में देखी जा सकती है। यहाँ से युवा स्टार दादू बासनी जेसीएच हॉस्पिटल की स्पॉन्सरशिप में खेल रही है, और वहीं दूसरी ओर होटल रॉयल रिसोर्ट की स्पॉन्सरशिप में खेलती हुई नजर आएगी टीम श्री बालाजी स्टार डाबड़ी। एक तरफ होंगे अर्जुन जी, दूसरी तरफ होंगे वासिद, एक तरफ होंगे कैलाश जी, दूसरी तरफ होंगे अल्ताफ, एक तरफ होंगे विकास लोहिया, तो दूसरी तरफ होंगे फैसल पवार। अब किसका पावर कितना चलता है यहां से, और अब हमारे म्यूजिक में है बिल्कुल तैयार रहे। इस बड़ी प्रतियोगिता का बड़ा फाइनल मुकाबला कुछ दिनों बाद होगा, तो कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी है वो हमारी देशभक्ति है, हमारे देश के प्रति जो मान सम्मान है, और एक सच्चा भारतीय वही है जो अपने देश से मान सम्मान और प्यार करता है। तो इसलिए अब राष्ट्रगान होगा, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी मेरे हम उम्र है, आप बिल्कुल सभी अपने स्थान पर हैं, वो खड़े हो जाएं। अब पहले नेशनल एंथम होगा, नेशनल एंथम के बाद इस मुकाबले का अफसोस है वो करवाया जाएगा। अभी भी कुछ जो साथी मेरे जो बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन किया जाता है, बार बार निवेदन किया जाता है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यह मारवाड़ बालिया की सरजमीन से देशभक्ति का पैगाम है वो जाना चाहिए। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि तूफान कभी शांत नहीं होते, तूफान कभी शांत नहीं होते, जो आंधियों से डर जाए वो सच्चे मकाम नहीं होते, और जो अपने देश की राष्ट्रगान का मान सम्मान नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते। बहरहाल सभी सच्चे इंसान होने का प्रमाण दे, और संभवता सभी है वो खड़े हो चुके हैं, हमारे जो म्यूजिक मैन है बिल्कुल यहाँ से राष्ट्रगान का गायन है वो किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अब टीम परिचय है वो करवा दिया जाए हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा। दोनों टीमों का यहाँ से बिल्कुल परिचय था वो करवा दिया आपको। एक तरफ आनंद जी का है, दूसरी तरफ प्रेम है, और दोनों शख्सियत को मिला दिया जाए तो क्या बेहतरीन संगम बनता है। आनंद जी प्रेमचंद एक बेहतरीन साहित्यकार कहीं है, एक बेहतरीन कवि रहे हैं, जिन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय अनुसरणीय योगदान है उनका, आनंद जी प्रेमचंद। और दोनों यहाँ स्पॉन्सर है भुवन दोस्त। तो इस मुकाबले का यहाँ से बड़ा टॉस वो होने जा रहा है। तो इस मुकाबले का टॉस जीता यहाँ से टीम है रॉयल रिजॉर्ट से स्टार डाबड़ी ने। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल मंच की तरफ आते रहे, फैसला वो भी बता देंगे, मंच को सुशोभित करेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ बिल्कुल मंच पर हैं, अपना जो डिसीजन वो देंगे यहाँ से। और डापड़ी में भी वन द टॉस बैट फर्स्ट, डापड़ी ने टॉस जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बड़े मुकाबले में, अब बड़ा इम्तिहान यहां से बल्लेबाजों का, और वही इम्तिहान कड़ा यहां से गेंदबाजों का भी होगा। श्री बालाजी स्टार होटल रॉयल रिसोर्ट ने इस मुकाबले में टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे विकास लोहिया। पहले बल्लेबाजी करते हुएंगे नजर आएंगे अर्जुन सिंह, और काना काना को भी सबने है माना, वो भी दिखाई देंगे यहां से। और वही दूसरी ओर वासित पवार, फैसल पवार, अल्ताफ पवार, अब पवार ब्रदर्स का पावर कितना चलता है यहां से। इलेवन स्टार पालिया प्रीमियर लीग 2022-23 का महाफाइनल मुकाबला, अब महासंघर्ष महाघमासान अभी कुछ क्षणों में स्टार्ट होने वाला है यहां से। जितने भी एक्स्ट्रा दर्शक है उनसे भी निवेदन रहेगा, उनसे भी आग्रह रहेगा सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। वो तो कोल्ड ड्रिंक का राज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि 11,000 है भाई नाम के ये कैमरा है उसका बाबू फाजी उप चेयरमैन बिल्कुल मंच को सुशोभित करें। लाइव चलेगा बाबू फाजी उप
परविंदर जी शर्मा है यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भी कार्यरत है, उनकी तरफ से भी 21,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है वो प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त हाकम अली देशवाली है, उनकी तरफ से भी 15,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है। जो विजेता कप है वो बिल्कुल उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अयुब का कई मार्ट के द्वारा भी 15,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है वो बिल्कुल प्रदान किया जाया गया है। वहीं सलाम जी हैं एनआरआई गर्भदेव के वास्ते से, उनके द्वारा भी 11,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है और वो बिल्कुल प्रदान किया गया है। यूसुफ जी पूर्व सरपंच है 5100 रूपए, रमजान जी बालिया 5100 रूपए, शरीफ हाफिज जी 4100 रूपए, अरसद डीलर उनकी तरफ से 4100 रूपए, इसके अतिरिक्त इवन अब्दुल्ला सिंह गहलोत ऑटो पार्ट्स की तरफ से भी 6100 रूपए का आर्थिक सहयोग है वो किया गया है। ये हमारे भामाशाह हैं, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं और भी लंबी लिस्ट है और वो बिल्कुल मुकाबले के दौरान आपको बताते रहेंगे, आपसे अरूबरू होते रहेंगे। बहरहाल अब अंपायर से इस मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से श्री बालाजी स्टार्ट आ रही, अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को वहां भेज दे। और बिल्कुल जितने भी स्पॉन्सर हैं सब को की तरफ से 11,000 रूपये का अमाउंट है, जो राशि है वो बिल्कुल प्रदान की गई है। और सबसे बड़ी राशि जिन्होंने इस प्रतियोगिता को खूबसूरत बनाया है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां विजेता उपविजेता के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज कौन रहता है उसकी दौड़ में भी काफी खिलाड़ी बने हुए हैं और चर्चा का विषय है वो बना हुआ है। कल से सभी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल जो क्रिक हीरोज का जो एप है वहां पर जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जो सूची होती है उस पर बार बार विजिट कर रहे हैं कि यहाँ से कौन सा खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो निखर कर आता है, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए आईफोन 11 का खिताब है वो दिया जाएगा और वो खिताब प्रदान कर रहे हैं वसीम सरपंच बालिया, इस गांव के जनप्रतिनिधि, इस गांव के प्रथम पुरुष वसीम सरपंच बालिया के द्वारा आईफोन 11 है वो एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड प्रदान किया जाएगा इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को। और अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज वहां बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, एक तरफ विकास लोनिया दूसरी तरफ कानाराम, अब दोनों सलामी बल्लेबाज यहां से चले गए हैं। तो एक बार सभी दर्शक जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों ही टीमों के लिए, बेहतरीन प्रतियोगिता बेहतरीन फाइनल मुकाबला दोनों ही टीमें बनी है और ये इम्तिहान की घड़ी है अब कौन सी टीम इससे फाइनल मुकाबले में खड़ी रह जाती है अब वो तो यहां से देखना दिलचस्प होगा। सेजू भाई वो भेजियो है पावर बैंक अभी भेजियो। एक जितने भी दर्शक हैं सब रस्सियों से बाहर चले जाए, जितने भी दर्शक हैं क्योंकि बड़ा फाइनल मुकाबला है उस दिशा में अगर कोई भी क्षेत्र रक्षक आता है तो फिर आपको चोट लग सकती है। और यहाँ से अच्छा मैसेज यही जाना चाहिए कि 11 स्टार बालिया प्रीमियर लीग 2022-23 एक बेहतरीन प्रतियोगिता है और दर्शकों ने भरपूर सहयोग किया है। जितने भी बालियावासी हैं आपसे बार बार निवेदन किया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है सभी जो रस्सियां बंधी हुई है उनसे बाहर बैठे, आप ही की ये प्रतियोगिता है आप ही इससे बार बार निवेदन किया जाता है। युवा स्टार दादूबास्ती के दर्शक हो चाहे श्री बालाजी स्टार ढाबड़ी के दर्शक हो या फिर चाहे पालियावासी हो आपसे बार बार निवेदन किया जाएगा। बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शब्दों को बिल्कुल उन्होंने मान सम्मान दिया है और वो बिल्कुल चले गए हैं बाहर की तरफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हौसला अफजाई है वो करते रहे सभी खिलाड़ियों की। तो मुकाबला भी स्टार्ट हो चुका है, स्वागत है भाई सभी साथियों का यहाँ से। सलामी बल्लेबाज आ चुके टीम डाबड़ी की तरफ से टॉस जीत के शुक्रिया जो आप पधारे वरना आपके बगैर महफिल जज्बात अधूरी थी और बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। और कुछ पंक्तियां हैं वो चेतन जी ड्यूटी के लिए है, जिंदगी में यूं तो समस्याएं हर रोज नई खड़ी होती है, जिंदगी में समस्याएं यूं तो हर रोज नई खड़ी होती है पर जीत जाती है वो शख्सियत जिनकी सोच बड़ी होती है। और ऐसे ही बड़े सोच के
प्रतिनिधि बिल्कुल हमारे बीच हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लाडले विधायक श्रीमान चेतन जी गुडी हैं, वो बिल्कुल आ चुके हैं। कल बिल्कुल उनका दिल्ली दौरा था, उस दिल्ली दौरे से बिल्कुल यहाँ बालिया वासियों के आग्रह पर बिल्कुल दिल्ली से अभी बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। आप बिल्कुल एक आग्रह पर यहाँ पहुंचे हैं इस बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में, और इस मुकाबले के थर्ड अंपायर चौथी अंपायर की भूमिका में कई स्पोर्टिंग गो है वो बिल्कुल बने रहेंगे। दोनों ही अंपायर बिल्कुल किसी भी वाद विवाद की स्थिति में आप उनकी सलाह है वो ले सकते हैं, उनसे मशवरा है वो कर सकते हैं। और इसी बीच दोनों टीमों से जो वही आग्रह, अगर अंपायर से दोनों ही जो ऑफिशियल है उनको लगता है थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए तो वो चले जाएंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी किसी भी प्रकार से वहां अंपायर से कोई बातें नहीं करेंगे थर्ड अंपायर के पास जाने के लिए। और बिल्कुल प्रेम जी है जेसीएस हॉस्पिटल, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं इस बड़ी प्रतियोगिता के बड़े फाइनल मुकाबले में, और वहाँ हमारे विधायक जी हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा विक्रम भाई आपका चाहूंगा इस प्रतियोगिता में थोड़ी देर में 64 टीमों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। सबसे बड़ी खूबसूरती अंतिम 16 टीमों को है वो स्पॉन्सरशिप प्रदान की गई है। स्पॉन्सरशिप का मायना है कि प्रत्येक जो भी यहाँ फर्म है जितने भी उद्योगपति हैं सबने इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी है वो निभाई और अपनी एक एक टीम उनको अलॉट की गई है। और इस समय जो दो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाए, सबसे बेहतरीन टीम में है श्री बालाजी स्टार झापड़ी और युवा स्टार दादूवास ने। एक तरफ स्पॉन्सर मुंशी जी है होटल रॉयल रिसोर्ट, तो दूसरी तरफ स्पॉन्सर प्रेम जी जेसीएच हॉस्पिटल। इस मुकाबले को यथावत रूप से यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर थी, इस गेंद को देखा परखा और जाने दिया वहां पर विकास लोहिया ने। और पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, और यही लाइन है जो पिछले मुकाबले में भी देखने को मिली थी जब मुकाबला था 11 स्टार पालिया वर्सेस दादूवासियों के मध्य। इस टीम ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और अब तो फाइनल मुकाबला आ चुका है। प्रॉपर रणनीति के साथ आई है यहाँ से दोनों ही टीमें। एक बार थोड़ा ये गेंद और दूसरी गेंद बाहर रिवर्सिप के लिए चले गए, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पारी का आगाज हो चुका है, शुरुआती रन है विकास मोहिया ने लगाए हैं यहाँ से। नेटवर्क इशू है, वाईफाई जोड़ी और बिल्कुल हुक्म रामजी बाजिया है, आप तो एक मंच को सुशोभित करें। हुक्म रामजी बाजिया आप बिल्कुल मंच को सुशोभित करें, और श्रीनिवास जी बिल्कुल आप भी मंच को सुशोभित करें। एक बार थोड़ी गेंद विकास के लिए, और बिल्कुल इसी बीच हम आसाओं की कड़ी में हम बिजी हैं, संकट भी जुड़ चुकी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, 6100 रूपये का आर्थिक सहयोग है वो प्रदान किया है यहाँ मैनेजमेंट कमेटी को एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड उनके द्वारा प्रदान की गई है। एक बार पुनः गेंद विकास ने पूरे इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर ले जाएगी 4 रनों के लिए। अब तक टू तक बाउंड्री अर्जित करते हुए यहाँ से विकास लोहिया पहले ही ओवर में उल्टाफ को वहां अड़े हाथों लिया है, जिससे दोनों ही टीमें प्रॉपर रणनीति के साथ खेलती हुई। पिछले मुकाबले की जो लाइन लेंथ थी उसी पर बार बार हिट किया जा रहा, पर विकास काफी सेंसिबल क्रिकेटर है वहां रिवर स्वीप में खेलते हुए, क्योंकि जानते हैं ऑफ स्टंप से बाहर की एक गेंद है और रिवर स्वीप इनका तोड़ है और रनों का जोड़ है। यहाँ से 8 रन है वो जोड़ चुके हैं अपने स्कोर में। यूसुफ जी वास्तव बिल्कुल यहाँ आ चुके हैं मंच को सुशोभित करें, और पहली सफलता विकास लोहिया के रूप में बड़ी सफलता अर्जित है वो कर ली है यहाँ से युवा स्टार दादूवास्ती ने। जेसीएस हॉस्पिटल को पहली सफलता वो मिल चुकी है यहाँ से, और प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए की राशि है वो बिल्कुल प्रेम जी के द्वारा बनी रहेगी, एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड बनी रहेगी यहाँ से। बराबर
अर्जुन से बनी विकास से लोहिया को वहां विकास का रणु का विकास है रूप दिया है। यहाँ गेंदबाज अल्ताफ ने स्कोर जा पहुंचाई नाट एक ही विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल खाटी भाई भी पहुंच चुके हैं अल्ताफ को मिला दादा का इनका क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 इनके यहाँ भी बेरी में एक बेहतरीन प्रतियोगिता हुई थी। तो बिल्कुल खाटी भाई आप मंच पर आए, खाटी भाई बिल्कुल मंच पर आए और उनके साथ नियाजा है वो भी सीमा रेखा से बाहर चली गई है चार रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर इस समय श्री बालाजी स्टार डाबड़ी के द्वारा होटल रोयल रिसोर्ट के द्वारा जहां और बिल्कुल अक्रम एनआरआई की तरफ से घोषणा प्रत्येक पीच पर 50 रूपये की राशि छीट रख सको और प्रत्येक विकेट पर 100 रूपये की राशि है वो बिल्कुल बनी रहेगी। कार्ड लगाए हुए भाइयों, जैसे अपडेटेशन आएगी क्रिक रोज से अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगर स्कोर कार्ड ही नहीं लगाते तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बालाजी स्टार वर्सेस डाबड़ी, ये युवा स्टार स्टार दादू बास में ये नहीं आता फिर। और बिल्कुल वही भामाशाह के रूप में भी जुड़े हैं खादिम बेरी, टीम के कप्तान हैं छोटी बेरी, 3100 रुपए का आर्थिक सहयोग मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल प्रदान किया है खादिम बेरी ने। 11 स्टार पालिया के कप्तान कप्तानी नवाब खिलाड़ी लाजवाब इस समय विशेष अतिथि के रूप में बिल्कुल मंच को सुशोभित किए हुए हैं और वहां मंच की शोभा बढ़ाई है श्रीमान चेतन जी डूडी ने। यहां इस क्षेत्र के वर्तमान में विधायक है सबके लोकप्रिय जनप्रिय अनीता के रूप में बेहतरीन कार्य करते हुए पीछे की ओर पंचर गेंद अच्छी गेंद वहां गेंद को देखा परखा वो जाने दिया अर्जुन जी ने, इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी है। यार क्या नेटवर्क है और बिल्कुल जिस अभी भाई को यहां से घोषणा करवानी है तो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि मंच के पास से आकर आप नीचे से ही घोषणा है वो लिखवा सकते हैं। मंच के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्था होती है, इसी बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। अर्जुन जी ने भी वहां रिवर्सिप में खेला है, रिवर्सिप में भरपूर बल्लेबाजी की जा रही है यहां पर। और बिल्कुल मुंशी जी भी आ चुके हैं यहाँ भामाशाह के रूप में, पट्टी के छक्के पर सो रही है के द्वारा बैक टू बैक दूसरी सफलता अर्जित करते हुए यहाँ से इस बड़े फाइनल मुकाबले। प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की राशि, एक ओवर में कोई भी बल्लेबाज 3 छक्का लगाता है तो 500 रुपए की राशि, ये राशि है वो बिल्कुल बनी रहेगी एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड टीम स्पॉन्सर्स मुंशी जी के द्वारा होटल रॉयल रिसोर्ट के द्वारा। एक भव्य होटल है इनका दौलतपुरा में, उसी प्रकार का भव्य प्रदर्शन अभी तक इनकी टीम ने किया है पर इस मुकाबले में शुरुआती झटके दिए हैं यहाँ से जैसे दो ओवर की शुरुआती स्कोर है 18 रन दो विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज इनके गेंदबाज है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है वो की जा रही है, बैक टू बैक दो इनफॉर्म बल्लेबाजों को वहां बाहर का रास्ता दिखाया है, पहले विकास लोहिया का शिकार किया उसके बाद अब अर्जुन जी को भी बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया है। एक बार तो नहीं गेंद काना के लिए, काना ने इस गेंद को खेला है वहां पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षक है और अच्छा क्षेत्र रक्षण उनके द्वारा किया गया है।
इसी बीच एक बार पुनः ये गेंद काना के लिए ब्लू फुल में गेंद थी, इस गेंद को खेला है वहां पर। लोमन के क्षेत्र में मोसिन मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट दिए दिक्कत आ रही है। बाकी जैसे क्रिक रोज में नेटवर्क सही होगा यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। और वही फारूक जी है इमाम साहब बालिया से, बिल्कुल आप भी मंच को सुशोभित करें। फारूक जी हैं वो इमाम साहब बालिया, बिल्कुल मंच को सुशोभित करें। बिल्कुल हमारे थोड़े से स्कोरर हैं वो ध्यान दें, यहाँ से स्कोरिंग पट्टी है वो बिल्कुल लगाए मुका, इस ओवर के बाद मुकाबले को रोक ले जो वहां का सिम दुनकर है या फिर अगर है थोड़ा सा स्कोर टिकर है अब वो अपडेट करें इस ओवर के बाद है। नेटवर्क के लिए किसे अपडेट करें। और वही एक और बड़ी राशि है वो आई है एमएलए साहब की तरफ से, चेतन जी ड्यूटी की तरफ से 11,000 रूपए का आर्थिक सहयोग मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल प्रदान किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, आप इसी प्रकार से हौसला अफजाई है वो करते रहे। एक ही मिनट जो स्कोर टिकर है कासिम भाई अपडेट करें स्कोर टिकर बन फोन करके कह दो नेटवर्क होने। राशि है वो उनके द्वारा बिल्कुल प्रदान की गई है। अजीज तबाक है शोरूम उनकी तरफ से भी बिल्कुल 21,000 रूपए की राशि। मुंशी जी होटल रॉयल रिसोर्ट की तरफ से 21,000 रूपए की राशि है वो आ चुकी है। यहाँ से अगर उनकी टीम चैंपियन बनती है तो ये राशि बढ़ने वाली है। मैनेजमेंट कमेटी की भी चांदी है वो होने वाली है। और 2100 रूपए हुक्माराम जी बाजिया की तरफ से भी बिल्कुल आई है। हुक्माराम जी बाजिया की तरफ से भी 2100 रूपए का आर्थिक सहयोग है वो बिल्कुल यहाँ आप बना है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना मोहम्मद सलमान भाई, करीक रोज का नेटवर्क इश्यू है ना, आप अब करीक रोज पे स्कोरिंग देखोगे वहाँ पर भी आपको स्कोरिंग नहीं नजर आएगी। अल्ताफ भाई अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप बंद कर सकते हो। एक मिनट थोड़ा सा अगर एमएलए साहब को कहीं जरूरी कार्य के लिए जाना है, दोनों टीमों से माफी चाहते हैं, 5 से 6 मिनट का समय है लेंगे, माफी चाहते हैं क्योंकि एमएलए साहब हमारे जनप्रतिनिधि उन्हें कहीं जाना है तो उनका जो मान सम्मान है वो बिल्कुल किया जाता हुआ। भूतपूर्व सरपंच है यूसुफ जी, बिल्कुल वो माल्यार्पण करेंगे और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे, मान सम्मान प्रदान करेंगे श्रीमान चेतन जी ढूडी को। और बिल्कुल सभी जोरदार तालियां चेतन जी ढूडी के लिए हमारे लिए, बिल्कुल दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं तो बिल्कुल उनका मान सम्मान है वो किया जाता हुआ। स्कोर देख लो आप, बहुत सारी 3 ओवर के बाद है स्कोर 20 रन इसीलिए बिल्कुल यहाँ से उनका अगला दौरा है। रन बनाए अकाना राम ने 4 विकेट पहुंचे हैं। वीरेंद्र सिंह धन्यवाद श्रीमान चेतन जी ड्यूटी और बिल्कुल माल्यार्पण किया जा रहा है। यूसुफ जी भूतपूर्व सरपंच है यहाँ के गणमान्य नागरिक है उनके द्वारा। मोहम्मद सलमान भाई हमारे हाथ में नहीं, ऐसे ही करना था करी की रोज का नेटवर्क पीछे से ही होगा तो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। हो सकता है पूरे मैच भी ना हो सकता है 1 मिनट बाद में हो जाए। जितनी भी टीमें अब हम तो वही दिक्कत है जिस चीज को सही करते हैं, अगर लाइव प्लेयर नहीं आ रहा है एक ही बात लाइव के एंगल से अलग कर सकते हैं, ये जो नेटवर्क का है ये अपने हाथ में थोड़ी होता है। और आज आपके यहाँ पे फाइनल है
तो एक चीज मैं आपसे बांटना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जब से हमारी सरकार बनी है तब से खेल को युवाओं को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि खेल में युवा आगे बढ़े और युवा सिर्फ आगे ही नहीं बढ़े बल्कि इन युवाओं को खेल के माध्यम से रोजगार के रास्ते सर्जित हो रोजगार मिले ये कोशिश भी हमारी सरकार कर रही है। मैं यहां पे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल मुझे दिल्ली काम था आप लोगों से वादा किया हुआ था कि आपको हमारे बीच में आना है तो मैं अभी सुबह ही यहां पहुंचा और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के इस फाइनल में मैं तो ये उम्मीद करता हूं ऊपर वाले मालिक से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये आयोजन और ज्यादा तरक्की करे जीते चाहे कोई भी लेकिन हम लोग जो खेल खेले वो खेल भावना से खेले और ये खेल हमें जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते तय करवाए ये सबसे बेहद जरूरी चीज है। आप सभी को ढेर सारा मैनेजमेंट कमेटी को ढेर सारा साधुवाद। जीतने वाली या जितनी भी टीमें हैं चाहे उप विजेता हो या जो बाहर निकल गई सबको बधाई और उम्मीद करता हूं जो टीम इस बार पीछे रहेगी अगली बार इसी टूर्नामेंट के अंदर आगे तक जाए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद बहुत सारी बधाई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। बिल्कुल आप बात करें टॉस जीत की मैं आपका एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा उसे इस समय का जो सबसे ज्यादा ब्रांडिंग में है आईफोन 11 का खिताब है वो दिया जाएगा इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को और वो प्रदान किया जाएगा वसीम सर पचपालिया के द्वारा। अब बिल्कुल मुकाबले को है वो यहां से स्टार्ट करवा दिया जाए अंपायर बिल्कुल मुकाबले को पुनः है वो यहां से स्टार्ट करवा दिया जाए और इसी बीच अभी भी शेषु भाई वहां स्कोर टिकट में कोई समस्या है स्कोर टिकर अपडेट करवाएं डिलीट करोगे लिंक कहीं दूसरा बोलना नहीं करना बिल्कुल मुकाबले को यहां से अब मुकाबले को पुनः स्टार्ट है वो करवा दिया गया यहां से एक बार पुनः ये गेंद आप वीरेंद्र चले गए हुआ बल्लेबाजी के लिए खेला है लॉन्ग ओवर के क्षेत्र। अरे विनू भाई आप सबको कैसे समझाऊं यार बंद करने से नहीं आएगा नेटवर्क की दिक्कत है जब वहाँ पे करीग रोज में नेटवर्क से होगा तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा यार थोड़ा सा समय लगेगा आपको क्या लग रहा है मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ क्या करीग रोज का अलग नेटवर्क होता है और ये जो अपने मोबाइल में होता है ये अलग नेटवर्क होता है। खेला है वहाँ गाना ने खेला है वहाँ गलती हो गई है खेला है गाना ने और अब निश्चित तौर पर बहाना है वो बनाना होगा यहाँ से गेंदबाज फैसल को। आप स्कोरिंग देखोगे ना करीग रोज पे जाके तो भी आपको स्कोरिंग अब नजर नहीं आएगी जब तक करीग रोज का नेटवर्क सही होगा तब तक। अब्दुल भाई आईडी से कुछ नहीं होता ये नेटवर्क की दिक्कत है एक बार फिर से हवा में खेला है मोहसिन गलती करती है निश्चित तौर पर इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा इस बड़े मुकाबले में कम अजर से बल्लेबाज को जीवन दान देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है वो हो गई है मोहसिन से इस ओवर के बाद में बता मुंशिखा बिल्कुल बने हुए हैं यहाँ मंच को भी सुशोभित किए हुए उनकी टीम इस समय इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन है वो करती हुई 21,000 रूपए कार्तिक सहयोग है बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी को प्रदान किए गए इसी बीच खेला है वहां पर डी बक्सा कवर के सामने हफीज मौजूद है एक ही रन से संतुष्ट और इसी बीच
मंच पर सीताराम जी जांगेर हैं, प्रवीण जी सोनी हैं, वो भी बिल्कुल मंच को सुशोभित किए हुए हैं। श्री गणेश देवी मोटर्स से जीतवाना और वो भी एक मजबूत स्पॉन्सर से भमाशा बनकर आए हैं इस प्रतियोगिता में। ये आए भाई खान जी इसी बीच मुंशी जी की तरफ से बड़ी घोषणा, स्पॉन्सर्स तो इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त 21,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है, अब वो और प्रदान किया है मैनेजमेंट कमेटी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां मुंशी जी के लिए। वालेकुम अस्सलाम भाई, एक बार पुनः और बिल्कुल अब्दुल सलाम जी की तरफ से भी 11,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है मैनेजमेंट कमेटी को प्रदान किया गया है। अब्दुल सलाम जी वसीम सरपंच बालिया की पिताश्री हैं, उनकी तरफ से भी 11,000 रूपए का आर्थिक सहयोग है, वो बिल्कुल प्रदान किया गया है, तो भामाशाहों की कड़ी है वो बिल्कुल बढ़ती हुई यहाँ। स्कोर बताइए, 4 ओवर 31 रन 2 विकेट। और बिल्कुल बाबू खान सरपंच जी खुन खुना वो भी मंच को सुशोभित किए हुए हैं, सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है बाबू खान सरपंच जी खुन खुना से, आप भी बिल्कुल मंच को सुशोभित किए हुए इस समय, और यहाँ इस प्रतियोगिता में इस मुकाबले में जुल्फान है या नाराई बेस्ट बॉलर को 500 रूपए है वो बिल्कुल जमा करवाए दिए जाएंगे, का जो भी बेस्ट गेंदबाज होगा इस मुकाबले का, इसके अतिरिक्त विकास की विकेट लेने पर 100 रूपए की राशि और 100 रूपए और कीच पकड़ने पर आशीष पवार को, वो भी बिल्कुल उनके द्वारा है वो बनी हुई है घोषणा। अजुल्फान एनआरआई 4 ओवर 31 रन 2 विकेट 31 इसी बीच काना के लिए गेंद, इस गेंद को खेला है पुनः भाला, कीच आउट, इरशाद ने वहां बेहतरीन कीच लपका है, और बिल्कुल रामसभा से सरपंच नवाज शरीफ की युवा सरपंच युवा दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है वो भी बिल्कुल आ चुके हैं, तो बिल्कुल नवाज शरीफ आप अभी मंच पर आए, मंच को सुशोभित करें सरपंच ऑफ रामसभा से। और बिल्कुल यूसुफ जी हैं सरपंच साहब, भूतपूर्व सरपंच दादोबास ने आप मंच पर सुशोभित किए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, मैनेजमेंट कमेटी आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती है, इस्तकबाल करती है। इस ओवर के बाद बिल्कुल ड्रिक्स ब्रेक है वो लिया जाएगा, ड्रिक्स टोली है वो मैदान में पहुंचाई जाएगी, तो हमारे जो भाई हैं ड्रिक्स टोली के साथ बिल्कुल तैयार रहे शाजिद भाई, इस ओवर के बाद बिल्कुल रोक लेना। बैट्समैन नेम इस पर लगता है कि ड्रॉप हुआ है, वहां साथी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अपील की थी वासिर पमार से निश्चित तौर पर गलतियां हुई है वहां पर, और आज के इस मुकाबले में गेंदबाजी के लिए मुर्सलीन चले आए हैं, क्या बेहतरीन गेंदबाज है मुर्सलीन, और मुर्सलीन हुसैन की जो जोड़ी है वो दादू वासने के लिए बेहतर कार्य है वो करती हुई, और बिल्कुल एसकेडी शौकत खान दिलावर खाने कायम मार्ट वो भी बिल्कुल आ चुके हैं, तो वो भी बिल्कुल मंच को सुशोभित करें, शौकत खान दिलावर खाने कायम मार्ट छोटी बेरी से इस समय एक हालिया दिनों में जो प्रतियोगिता हुई थी दादा कायम खान क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी, वहां मैनेजमेंट कमेटी के रूप में बेहतरीन कार्य किया था और हमें भी बड़ा मान सम्मान है वो प्रदान किया था एसकेडी, शौकत खान दिलावर खाने बिल्कुल मंच पर आ चुके हैं, तो मंच को सुशोभित करें, आपका भी हार्दिक अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। एक और गेंद इस बार प्रयास वहां पर बल्लेबाज ने पूरा किया था पर कामयाब नहीं रहे,
चार पॉइंट चार ओवर के बाद स्कोर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस समय जीसीएस हॉस्पिटल बसेज होटल रॉयल रिसोर्टेड के मध्य मुकाबला मोसलिन की 80 गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर स्लो खोल में गेंद 30 गेंद को खेला। वहां पर हफीज मौजूद है, गेंद को फिर किया थ्रो किया तो कट मौका था वहां आदम ही बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का और थोड़ा सा माफी चाहते हैं स्कोर अपडेट नहीं हो पाया है इस वजह से थोड़ा सा असमर्थ है आपको स्कोर से अपडेट करवाने के लिए। संभवतः इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा उस दौरान बिल्कुल सब कुछ रिजोल्व कर दिया जाएगा। इसी बीच एक बार पुनः खेला है वीरेंद्र ने इस गेंद को धीमे हाथों से एक रन दौड़ चुके पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज है। यहां से बड़ी जिम्मेदारी इस समय बल्लेबाज वीरेंद्र पर ओवर की समाप्ति इसी के साथ है। अब ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया जाए यहां से ड्रिंक्स तो ली है वो बिल्कुल जाए। सिटी लाइफ का जो ईवी स्कूटी है स्कूटर है वो बिल्कुल ड्रिंक्स ब्रेक के साथ वहां जाता हुआ में जो भामाशाह बनकर आए हैं एक बार पुनः उनका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। मुंशी जी एनआरआई बालिया 61,000 रूपये का कुछ सहयोग, अजीज जनता बाग मामेदा ढाबा 21,000 रूपये, मुंशी जी रॉयल रिसोर्ट 21,000 रूपये, प्रविंदर जी शर्मा 21,000 रूपये, हाकम अली देशवाली विजेता और उप विजेता जो ट्रॉफी है मोमेंटो है लगभग 15,000 की कॉस्टिंग वो उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त 34 रन 3 विकेट 3 विकेट गए यूसुफ जी पूर्व सरपंच 5,100 रूपये, रमजान जी बालिया 5,100 रूपये, शरीफ हाफिज जी 4,100 रूपये, अरसद डीलर है उनकी तरफ से 4,100 रूपये, अब्दुल्ला जी गहलोत ऑटो पार्क 6,100 रूपये, हमीद जी संगम ट्रेवल 6,100 रूपये और वहीं टीम छोटी बेरी अभी हाल ही दिनों में दादा कैम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 का जो आयोजन हुआ था छोटी बेरी में वहां से टीम छोटी बेरी है जो क्रिकेट की उनके द्वारा 3,100 रूपये, श्रीमान चेतन जी ड्यूटी है एमएलए साहब के द्वारा 11,000 रूपये, इस्राइल जी इटली वाले हैं इस्माइल जी इटली वाले उनकी तरफ से 2,100 रूपये, नवाज शरीफ सरपंच लाटावास एक बड़ा अमाउंट 11,000 रूपये की राशि इनके द्वारा भी बिल्कुल प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शाहिद गर्दे जी है बालिया से इनके द्वारा भी 2,100 रूपये का आर्थिक सहयोग है वो मैनेजमेंट कमेटी को बिल्कुल प्रदान किया गया है। वाईफाई से ट्राई कर लिया आप एक बार के स्क्रीनशॉट भेजे वो चेक कीजिए। तो चेंज नंबर जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना दूसरे मोबाइल में वो भी नहीं हो रहा इसमें नेट से ट्राई कर लिए सर जियो है मार्ग जियो एक बार जियो ट्राई करती हूँ तो मालिक जियो माला से ट्राई कर लिया मालूम पकड़े डो जी मालूम ध्यान दे रहे वो बोलर आया
दूसरे मोबाइल में लॉग इन है सर, एडमिन बहुत है, तो ट्रांसफर करा, ट्रांसफर नहीं हो रहा उसमें। इस बार वीरेंद्र ने इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। कल के मुकाबले में भी ये खिलाड़ी अलग खिलाड़ी नजर आया था, जब मुकाबला था इनका जोधपुर झमर जोधपुर के खिलाफ है, उस मुकाबले में बेहतरीन पारी है वो खेली गई थी। वो तो कर रही है, स्कोरिंग अपडेट चालते हो रहा है। इसी बीच ये गेंद मुर्सलीन एक बार पुनः इस गेंद को खेला है, वहां पर क्षेत्ररक्षक सुशील मौजूद है, एक ही विनती संतुष्ट है, दोनों ही बल्लेबाज वहां काट दे। अरे साहिल भाई आईडी की दिक्कत नहीं है, सबसे ट्राई कर लिया एयरटेल जियो बीएसएनएल यहाँ पे है नहीं, वो वाली नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। बाप लोगों को क्या समझाओ यार, बार बार बता दिया करीब रोज का अलग नेटवर्क होता है। कोई मौजूद है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। इस बार अपील वहां पर और वहां संभवतः नो बॉल का इशारा, दूसरी बाउंसर है वो आ रही है, बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ। पहले गेंद की जिस गेंद पर 4 लगाया था वो भी बाउंसर गेंद थी, लेकिन बाउंसर नो बॉल का इशारा वहां बाइक के द्वारा, क्योंकि गेंदबाज को एक ही मौका होता है वहां बाउंसर गेंद डालने के लिए। ये दूसरी गिनती और नो बॉल का अच्छा फैसला वहां स्क्वाड लीग अंपायर के द्वारा। इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर साजिद पठान, अजीतवाना और इकराम भाई हैं, वो बिल्कुल बने हुए हैं और बिल्कुल गेंदबाज को एक ही मौका है वो दिया जाता है बाउंसर के रूप में, और ये दूसरी गिनती मुर्सलिन की, इसी के चलते नो बॉल गेंद है, बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है वो रहने वाला है। यहाँ से स्कोर है 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर है यहाँ से स्कोर। थ्री हिट गेंद की इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, स्कोर अभी भी 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से मुर्सलीन हुसैन की ये गेंद, इस बार गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा है वहां बल्लेबाज ने, इस बार काफी लंबे समय से वहां पकड़ के रखा था बल्लेबाजों को, वहां जकड़ के रखा था, पर इस बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है 6 रनों के लिए। और वहां एक और सफलता, यहां से चौथा झटका है वो लगा है, और अब भूपी जा रहे हैं, भूपिंदर जूदा जा रहे हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए वहां। हेलो अंकित भाई,
राज होगा आपको बेहतरीन प्रस्तुति दी हुई देते हुए नजर आएंगे। हमारे अयुब सागर सर हैं, वो भी बिल्कुल बेहतरीन कलाकार हैं। सिटी गणेश देवी मोटर्स जीतवाना से इस प्रतियोगिता में उन्होंने भी बेहतरीन कार्य है वो किया है। और आज तो ईवी मोटर्स डीडवाना श्री गणेश के जो संचालक हैं सीताराम जी और प्रवीण जी सैनी वो भी बिल्कुल आए हुए हैं। इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सर्स भी हैं और उनको टीम खीरवा है वो लौट हुई थी एज ए स्पॉन्सर्स के रूप में, पर खीरवा की टीम यहां से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई। उन्हें चलते हैं इस मुकाबले की ओर। स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर, पांचवी सफलता मिल सकती थी वहां फिर से गलती हुई है। इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा, ये दूसरा तीसरा चांस है। यहां से सातवां ओवर प्रगति पर इसी एक के साथ स्कोर 51 रन यहां से। और जमील जी कोतवाल हैं वो भी बिल्कुल मंच को सुशोभित करें। भूपी ने इस गेंद को खेला है वहां फील्डर, इस बार प्रयास अच्छा वहां अल्ताफ के द्वारा, उनसे कुछ ही दूरी पर गिरी है गेंद। एक रन के साथ है संतुष्ट होंगे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज है। इसी बीच ये गेंद व्हाइट का इशारा वहां अंपायर साजिद पठान के द्वारा। इसी एक के साथ स्कोर जब उनका 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर सातवां ओवर प्रगति पर। होटल रॉयल रिसोर्ट वर्सेस जेसीएस हॉस्पिटल के मध्य मुकाबला एक तरफ है और एक और कीची को वहां पर गलतियों पर गलतियां हैं वो की जा रही है यहां पर आईओवा स्टार दादू बासनी के द्वारा। संभवतः चौथा जीवनदान है वो बल्लेबाजों को दिया गया है। इस प्रकार से अगर जीवनदान देंगे तो फिर और के डिस्काउंट बाजार साकिब खान है केड़ोली से, वो भी बिल्कुल यहां आने वाले थे। 3100 रुपए का आर्थिक सहयोग है वो मैनेजमेंट का आर्थिक सहयोग मैनेजमेंट कमेटी को प्रदान किया है साकिब खान केड़ोली से। के डिस्काउंट बाजार सीकर में उनकी फर्म है। इस बार भूपी ने भोपू बनाया है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है 6 रनों के लिए। और बिल्कुल खालिद खात्यावासनी और जाकिर जी इटली प्रवासी है, बिल्कुल मंच को सुशोभित करें। खालिद जी खात्यावासनी और जाकिर भाई इटली प्रवासी बिल्कुल मंच को सुशोभित करें। इसको 7 रन इसी छेद के साथ 4 विकेट के नुकसान पर यहां से 7 ओवर प्रगति पर। अब बेहतरीन बल्लेबाजी की जा रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, और करे भी क्यों ना, जब इस प्रकार की खराब क्षेत्र रक्षण किया जाए तो फिर यही हाल है वो होने हैं यहां से। और बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी के लिए कैलाश जी जीरवा के द्वारा भी 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग है वो बिल्कुल प्रदान किया गया है। इस टीम के कप्तान भी हैं, मजबूत भामाशाह भी हैं, मजबूत खिलाड़ी भी हैं, और 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग है वो बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी को प्रदान किया है कैलाश जी जीरवा ने। डाबड़ी कैलाश जी जीरवा डाबड़ी टीम के कप्तान है, उनके द्वारा 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग है वो बिल्कुल प्रदान किया गया है। और खालिद जी खात्यावास ने बिल्कुल यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके साथ जाकिर भाई एनआरआई हैं इटली प्रवासी है, वो भी बिल्कुल पहुंच रहे हैं। इसीलिए गेंद खेला है, इस गेंद को वहां खोद के निकाला, ब्लॉक होल में गेंद थी, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है एक ही रन से संतुष्ट। आज काफी गलतियां हैं वो की गई है यहाँ युवा स्टार दादू बासनी के द्वारा। 4 से 5 की 6 वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, अन्यथा इस समय काफी नाजुक स्थिति में होती है हमसे होटल रॉयल रिसोर्ट। बहरहाल इस मुकाबले में अभी तक दोनों ही टीमें बराबरी पर है, क्योंकि फाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला और बड़े मुकाबले में सिचुएशन है वो प्रेशराइज्ड सिचुएशन रहती है। खेला है इस गेंद को पुनः वहां वीरेंद्र में, और जब तक ये दोनों बल्लेबाजी करते रहेंगे कतई चिंता की बात रहेगी नहीं वहां अकेला जीरवा के लिए, मुंशी जी के लिए, श्री बालाजी स्टार डापड़ी के लिए, मुर्सलीन अब भूपी के लिए। भूपी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं। एक बार पुनः ब्लॉक होल में गेंद की खेला, इस गेंद को वासिफ पवार है वहां, रनआउट का खतरा, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे क्योंकि बैकअप के लिए वहां अल्ताफ मौजूद है। 64 रन 4 विकेट
स्कोर 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर प्रगति पर यहां से अगर 100+ का आंकड़ा पार कर लेती है यहां से टारगेट तो 100 का रहने वाला है, 250 सैकड़ा का रहने वाला है क्योंकि अब बड़ा फाइनल मुकाबला, फाइनल मुकाबले में प्रेशर सिचुएशन है वो रहती है। इस बार उछाल दिया है फील्डर, फील्डर गेंद के नीचे इरशाद है, ये फील्डर गलती नहीं करता है, अब बेहतरीन कैच है वो लपका है वहां से इरशाद ने और वीरेंद्र की पारी का भी खात्मा हुआ, गेंद है वो अंपायर तक पहुंचा दे, गेंद अंपायर को पहुंचा दे वहां छीट रख सके। और अब बल्लेबाजी के लिए रतन जाते हुए स्कोर अभी भी 64 रन 8 ओवर प्रगति पर और वही इस बार एक बड़ी घोषणा है वो मेरे लिए बनी है इस प्रतियोगिता में बेहतरीन कमेंट्री के लिए 5100 रुपए का अवार्ड है, एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड 5100 रुपए सेजू गहलोत पालिया टीम के कप्तान हैं उनकी तरफ से 5100 रुपए की राशि है वो बिल्कुल मुझे सहर्ष है वो प्रदान की गई है तो धन्यवाद सेजू बालिया कप्तान है 11 स्टार बालिया के उनके द्वारा 5100 रुपए की राशि है वो बिल्कुल फोन पे कर दी गई है। और पीयूसी पांडे उदान एजुकेशन कुछ ही समय बाद हमारे बीच पहुंचने वाले हैं 11 स्टार बालिया के आग्रह पर बिल्कुल यहां पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल टीम मैथिल छोटी बेरी वो भी बिल्कुल इस मुकाबले के लिए बनी हुई है, इसी बीच खेला इस गेंद को दो होल में वहां पर एक ही रन से संतुष्ट वहां पर इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 8 के बाद 66 यहां से 5 विकेट के नुकसान पर है। स्कोर है यहां से 8 के बाद 66 और इसी बीच एक बार पुनः अब गेंदबाजी के लिए वहां मोहसिन आ चुके हैं, ये गेंद अच्छी गेंद ब्लू होल में गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज पर इस बार कामयाब नहीं हुए और बिल्कुल इस प्रतियोगिता को खूबसूरत बनाया है स्पॉन्सर्स ने, इस प्रतियोगिता को खूबसूरत बनाया है सभी बालियावासियों ने, मैनेजमेंट कमेटी ने, जितने भी बालियावासी है सभी बधाई के पात्र है, जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में बेहतरीन कार्य है वो किया है और सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है यहाँ से जो इनाम है यहाँ जितने भी इनाम है और सबसे बड़ी बात मैन ऑफ द सीरीज का जो इनाम है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो इनाम है, खादिम भाई मैं बता दूं आपको आईफोन 11 का खिताब है वो मिलने वाला है इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को। अब वो खिलाड़ी कौन होगा, क्या वो खिलाड़ी विकास लोहिया होगा, क्या वो खिलाड़ी यहाँ से फैसल होगा या वो खिलाड़ी अल्ताफ होगा क्योंकि एक कांटे की टक्कर आईफोन 11 के लिए भी चल रही है और आईफोन 11 का खिताब है वसीम सरपंच बालिया के द्वारा बिल्कुल प्रदान किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त स्कोर है 8.3 ओवर के बाद है वसीम सरपंच बालिया के द्वारा इस प्रतियोगिता में बेहतरीन कमेंट्री के लिए एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड स्कोर है 8.3 के बाद बालिया के द्वारा बिल्कुल भी बनी है तो बहुत बहुत धन्यवाद वसीम सरपंच बालिया, इसी बीच खेला है इस गेंद को, हफीज वहां पर फील्डर मौजूद है एक ही रन से संतुष्ट है वो करना होगा 70 रन स्कोर जब पहुंचा इसी के साथ है 70 रन यहां से 9 ओवर प्रगति पर अंतिम कुछ गेंदे हैं और गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो 500 रुपए की राशि है वो बिल्कुल बनी रहेगी आसिफ भाई तबाक के द्वारा और डीडवाना में भी एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है वहां भी स्पॉन्सर्स के रूप में जुड़ने वाले हैं, भमाशाह के रूप में जुड़ने वाले हैं।
इस बीच उठा के खेला है रतन ने, इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। 9 ओवर 75 रन 5 विकेट। तो 9 ओवर के बाद स्कोर है 75 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर है अब यहाँ से इस पारी का, 10 ओवरों का ये मुकाबला है। 9 ओवर 75 रन, स्कोर है 75 रन। पिछली बार स्कोर 69 रन था, 9 के बाद 75 रन। बिल्कुल माफी चाहते हैं, उस समय स्कोर 69 रन था तो 70 हो गया था। अब स्कोर इसी 6 के साथ 75 रन। और वही बड़ी घोषणा दिल्ली से आई है इस बार। वैसे कहा जाता है दिल्ली दूर नहीं और बिल्कुल दूर नहीं है ये बात है। और जेसीएच की तरफ से 500 रूपये की घोषणा इस ओवर में, अगर कोई भी गेंदबाज विकेट निकालता है तो जेसीएच हॉस्पिटल की तरफ से ये घोषणा है। स्पॉन्सर है इस टीम के, उनकी तरफ से 500 रूपये की राशि है वो बिल्कुल बनी रहेगी। और वही मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है, और दिल्ली दूर हो भी कैसे जब अशोक जी यादव जैसे सर हैं जो दिल्ली से हैं, आम आदमी पार्टी के मजबूत लीडर हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा 21,000 रूपये का आर्थिक सहयोग है, वो बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी को एज ए अवार्ड एज ए रिवार्ड है और बिल्कुल प्रदान किया गया है। अशोक जी यादव दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मजबूत सिपाही है, उनके द्वारा 21,000 रूपये का आर्थिक सहयोग है। कुछ कह नहीं सकते मोहम्मद सलमान भाई, अगर नेटवर्क का इश्यू सही हो जाता है तो अगली गेंद पे हो जाएगा, नहीं तो पूरे मैच में भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब नेटवर्क है वो कभी भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते स्कोर कार्ड का। इसी बीच ये गेंद अपील, वहां इस अपील को और जीत किया दोनों ही अंपायर ने, और बिल्कुल इस प्रोग्राम के लिए भव्य समापन समारोह के लिए पीयूष जी पांडे है आज जीतू से आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भी रहने वाले हैं, वो कुछ क्षणों बीच बाद हमारे बीच होंगे। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद वहां मुर्सलीम के द्वारा, रतन ने एक छक्का तो लगाया है पर उसके बाद कहीं ना कहीं अभी बांध के रखा है पूरी तरह से वहां गेंदबाज मुर्सलीम हुसैन ने। आज के मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की है युवा स्टार दादूबाजी ने, गेंदबाजों ने अपना काम किया है, बल्लेबाज किस प्रकार का कार्य करते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है। इस बार एक रन के लिए निकले हैं, एक रन दौड़ चुके हैं, दूसरे का प्रयास वहां पर वासित गेंद पर थ्रो किया गया है, तीसरे का प्रयास भी किया जाएगा। और इस ओवर पर 200 रुपए की राशि है जुल्फान की तरफ से मुर्सलीम के लिए, और यहां से 79 रनों का टारगेट है वो दिया गया है, 79 रनों की चुनौती है। 79 रनों का टारगेट है भाई, 79 रनों का टारगेट मिला पहले भी 79 रन की चुनौती है वो रोक चुके हैं यहां से टॉप स्टार के जो गेंदबाज हैं। कुछ ऐसा ही आंकड़ा इस टीम ने अब बनाया था वहां पर, और उस समय कायमपुरा की टीम को बिल्कुल सम्मित कर दिया था 79 रनों पर। और अब दोनों पारियों के मध्य जो अंतराल है मैं आमंत्रित करूंगा आयुब सागर, श्री गणेश ईवी मोटर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल उनकी तरफ से आए हुए हैं आयुब सागर, बिल्कुल आपको एक शानदार प्रस्तुति है वो देंगे। आयुब सागर सर बिल्कुल आए, आपका स्वागत है, दोनों पारियों के मध्य में अपनी प्रस्तुति है वो प्रदान करेंगे, बेहतरीन आवाज के जादूगर हैं आयुब भाई, आयुब सागर बिल्कुल हमारे बीच आते हुए। पूरे जो